हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए बीसीसीआई के द्वारा प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में ऐसे पांच प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आईपीएल के ऑक्शन से पहले ही काफ़ी कम प्राइस यानी कि सिर्फ 5 करोड़ रुपये या फिर उससे भी कम में आप लोगों को अलग अलग टीमों में सोल्ड आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इन पांच प्लेयर्स के बारे में बात करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन कौन से वो बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं इस बार आईपीएल की नीलामी में, जो कि आपके हिसाब से प्लेयर्स तो काफ़ी बड़े हैं लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ अपने बेस प्राइस या फिर इवन 5 करोड़ रुपए से कम में सोल्ड आउट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर जिस प्लेयर का नाम निकल कर आता है वो है सुरेश रैना। दरअसल सुरेश रैना पिछले काफी टाइम से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ हमें कॉन्टैक्ट में नजर आ रहे हैं और अगर आप लोग उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहां पर भी उन्होंने आईपीएल 2023 के लिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि सुरेश रैना अगर इस बार के आईपीएल में रिटर्न करते हैं तो फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के द्वारा ही परचेज किए जाएंगे और बाकी किसी भी आईपीएल टीम के द्वारा रैना में ज्यादा इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला। ऐसे में सुरेश रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रहता है, तो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उनको उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए या फिर मैक्स टू मैक्स 3 करोड़ रुपए में आसानी से अपनी टीम में परचेज कर लेगी। इनके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जिस प्लेयर का नाम निकल कर आता है वो है एडम जैम्पा। दरअसल करेंटली आईपीएल में बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनको एक प्रॉपर स्पिनर की जरूरत है और ऐसे में एडम जैम्पा जो कि लास्ट ईयर हमें आईपीएल के पार्ट बनते हुए नजर नहीं आए थे, वो इस चीज को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से निभा सकते हैं क्योंकि इस बार का आईपीएल 2023 हमें भारत में ही देखने को मिलने वाला है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से एडम जैम्पा भी आप लोगों को आईपीएल का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने की बात है तो बहुत ज्यादा बड़ी बिडिंग इनके ऊपर नहीं होने वाली है, जिसका मतलब है कि इनके बेस प्राइस यानी कि 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास ही एडम जैम्पा आपको सोल्ड आउट होते हुए नजर आएंगे। इनके बाद इस लिस्ट में जो प्लेयर निकल कर आता है वो एक ऐसा प्लेयर है जिसका एक तरीके से आपको डाउनफॉल इस आईपीएल में देखने को मिलेगा और यह है रियान पराग। दरअसल रियान पराग काफी साल से राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ है लेकिन आज तक अगर उनके मैच विनिंग नॉक्स की बात की जाए तो शायद एक या दो ही ऐसे ओकेजन है जहां पर वो अपने आप को प्रूव कर पाए हैं। इसके साथ ही अब वो बॉलिंग भी नहीं करते आरआर की साइड से, तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स जो कि अब काफी स्ट्रांग बन चुकी है वो रियान पराग को इस बार मोस्ट प्रोबेबली रिलीज कर देंगे, जिसके बाद अगर ये नीलामी में आते हैं तो इनके ऊपर ज्यादा टीमें इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाली। हो सकता है वापस से राजस्थान रॉयल्स की टीम ही इन्हें परचेज कर ले, लेकिन उस टाइम पर भी इनके ऊपर मुश्किल से 2 करोड़ रुपए की बिडिंग देखने को मिलेगी। इनके बाद उस लिस्ट में आगे नाम निकल कर आता है मनीष पांडे का। इनके बारे में हमने पहले भी बात की है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम में इनको प्रॉपर चांसेस दिए गए थे कि जो इनकी पोजीशन थी वहां पर ही ये खेले, यानी कि एक तरीके से नंबर 4 की पोजीशन पर ये काफी अच्छा कर सकते थे। लेकिन मनीष पांडे ने लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया और इसके चलते वापस से ऐसा लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इनको रिलीज कर देगी और उसके बाद अगर ये नीलामी में आते हैं तो कोई भी टीम मुश्किल से ही इनके ऊपर ज्यादा बड़ी बिड करेगी, बल्कि इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हो सकता है ये अनसोल्ड भी चले जाएं। तो ऐसे में 2 करोड़ वो प्राइस हो सकता है जिसमें कोई टीम अपने बैकअप मिडल ऑर्डर प्लेयर के तौर पर मनीष पांडे को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। इनके बाद इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम निकल कर आता है कायल जेमिएसन का। अब अगर आप लोगों को याद हो तो कायल जेमिएसन को आरसीबी की टीम ने 16.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और अभी भी ये समझ के बाहर है कि इतनी बड़ी बिडिंग इनके ऊपर क्यों हुई थी, क्योंकि उसके बाद आरसीबी की टीम के द्वारा इनको रिलीज कर दिया गया था। और ऐसे में कायल जेमिएसन इस बार नीलामी में आएंगे तो क्योंकि एक टीम की गलती से बाकी टीमें सीख लेती हैं, तो ऐसे में सभी टीमों को पता है कि इनके ऊपर इतनी बड़ी बिड करके कोई भी फायदा नहीं है और मैक्स टू मैक्स 3-4 करोड़ रुपए में ही आपको ये जेमिएसन सोल्ड आउट होते हुए नजर आएंगे। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।